हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। इस नाश्ते को बनाना बेहद आसान है क्योंकि ये बहुत ही कम तेल में बनकर तैयार होता है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा होता है। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी आती है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर जब भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप फटाफट से वीडियो को वॉच कर सके। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के फटाफट से इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए आज हम इस्तेमाल करेंगे सूजी। तो सूजी हमने ली है 1 कप जितनी। तो यहाँ पे मैंने महीन वाली सूजी का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये जल्दी फूल जाती है। आपके पास जिस तरह की भी सूजी हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी सूजी को एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी जितना नमक। तो नमक आपको बहुत ही कम डालना है। तो नमक और सूजी को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें हाइड्रेशन के लिए 1/4 चम्मच जितनी अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब जिस कप से हमने सूजी ली थी उसी कप से हम पानी लेंगे और धीरे धीरे करके हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी आपको उतना ही डालना है जितने कि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से प्रॉपरली फूल जाए। तो देखिए, 1 कप जितना पानी हमने डाल दिया है। तो अब इस सूजी को हम फूलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट में हमारी सूजी फूल जाएगी। तो जब तक हमारी सूजी फूल रही है तब तक ये अपने हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो अपने नाश्ते को थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए हम एक पैन में डालेंगे 1 से 2 चम्मच के करीब तेल। और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। तो जैसे ही हमारा जीरा चटक जाएगा हम इसमें डालेंगे थोड़े से करी पत्ते। इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने स्पाइस के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। तो प्याज के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/2 बारीक कटी हुई गाजर। तो गाजर आपको आधी ही डालनी, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटे हुए टमाटर। तो अब इन सभी सब्जियों को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक यहाँ पर आपको ध्यान से डालना है। तो बस 1/4 चम्मच जितना नमक आपको डालकर इन सभी सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है, जब तक कि हमारी जो सब्जियाँ हैं वो थोड़ी सी नरम नहीं हो जाती। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जियों को भूनते हुए और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी रिलीज़ हो गया है। तो जब तक ये पानी ड्राई नहीं हो जाता तब तक इन सब्जियों को हमें अच्छे से कुक करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो आप अपनी गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इन सब्जियों को हम हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो तब तक हमारी सब्जियाँ ठंडी हो रही है तब तक अपनी हम सूजी को चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमारी सूजी जो है वो काफ़ी अच्छे से फूल गई है और इसके अंदर जो भी पानी था वो काफ़ी अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया है। तो अब हमने जो अपनी सब्जियों को भून कर रखा था उसे हम इस टाइम पर इसमें डाल देंगे और इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियां आपको जो भी पसंद है वो आप इस नाश्ते में ऐड कर सकते हैं। तो देखो, सब्जियों को हमने आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है लेकिन हमारी जो सूजी है वो अभी भी थोड़ी सी गाढ़ी है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप जितना, और इसे डालकर हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब अपने नाश्ते को थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस। तो नींबू के रस को हम इसी में इस तरह से निचोड़ देंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर आपको नहीं डालना है, बस इस तरह से चम्मच से ये हल्का सा गिरना चाहिए। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो अब फटाफट से हम अपना नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, इस नाश्ते को बनाने के लिए हम लेंगे 1 अप्पम मेकर और सब अप्पम मेकर के खानों में हम हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे। तो बस 1 से 2 बूंद के करीब तेल आपको डालना है और तेल जैसे ही हमारा हल्का सा गर्म हो जाएगा हम अपने तैयार किए हुए नाश्ते को 1-1 चम्मच के करीब हर खाने में इस तरह से फिल कर देंगे। तो बस 1-1 चम्मच बैटर को आपको सारे खाने में अच्छे से फिल कर लेना है और उसके बाद आपको इसे कवर कर देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ताकि हमारा जो नाश्ता है वो अंदर तक प्रॉपरली कुक हो जाए। तो फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब अपने नाश्ते को हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो नाश्ता है वो एक साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब इसे हम टर्न कर देंगे और इसे हम पलटकर दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो अब इसे हम दूसरी साइड भी ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा जो नाश्ता है वो दूसरी साइड भी अच्छे से कुक हो जाए। 2 मिनट के बाद हम इसे फिर से चेक कर लेंगे। तो देखिए, प्रॉपरली हमारा जो नाश्ता है वो दोनों साइड से अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब इसे हम फटाफट से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से अपने बाकी बचे नाश्ते को भी बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम एक पैन में डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच के करीब तेल और जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना साबुत जीरा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना राई दाना। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली राई का इस्तेमाल किया है, आपके पास जो भी हो वो आप डाल सकते हैं।
जीरा दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से चटकने देंगे। जैसे ये दोनों चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी, हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को मैंने इस तरह से थोड़े से लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, ताकि हमारी जो प्याज है उसका कच्चापन भी निकल जाए और थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो प्याज को हमने अच्छे से भून लिया और हमारी जो प्याज है वो थोड़ी सी नरम हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक टमाटर की प्योरी। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर को अच्छे से पीस लिया था, तो इसे भी हम डालकर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे, जब तक कि इसकी जो ग्रेवी है वो हल्की सी ड्राई नहीं हो जाती। तो 1 से 2 मिनट ही लगेंगे इसे कुक करने में। इसमें हम थोड़े से करी पत्ते भी डालेंगे, ताकि इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। आप स्टार्टिंग में ही डाल दीजिएगा, यहाँ पर मैं भूल गई थी इसलिए मैंने थोड़ी सी देर में डाला है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट में आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्याज की प्योरी है वो हल्की सी ड्राई होने लगी है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे हल्का सा नमक और इसे डालकर हम फिर से इसे अच्छे से कुक कर लेंगे, ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। तो प्योरी हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला और इसे डालकर भी हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई भी मसाला नहीं डालना है। तो मसाले को अच्छे से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब टमाटो केचप। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमने जो अपनी सूजी के अप्पे तैयार किए थे उसे हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हम सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ढककर रख देंगे। तो देखिए 1 सेकेंड हो चुका है, तो अब इसे हम खोल देंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे आधा नींबू का रस, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो और भी ज़्यादा चटपटा लगे। तो इसे डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बनकर रेडी हो चुका है हमारे सूजी का ये बहुत ही ज़्यादा हल्का और चटपटा नाश्ता। मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता, क्योंकि हम इसे बहुत ही कम ऑयल में बनाते हैं। तो देख सकते हैं बिल्कुल भी हाथों में ऑयल नहीं लग रहा है। तो इस तरह से मैं आपको इसे तोड़कर दिखा रही हूँ। इसके अंदर बहुत सारी वेजीज हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। अंदर से भी फ्लेवरफुल है और बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।